हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पर्पल क्रिएशंस। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए नीटिंग शूज सॉक्स लेकर आई हूँ। ये 7 और 8 नंबर का साइज है। इसके लिए मैंने फोर प्लाई की ऊन यूज़ की है और 11 नंबर की नीडल यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको छोटे साइज़ का बनाना है, 5 या 6 नंबर के साइज़ का, तो आप इन रोज़ को कम कर सकती हैं। ये पैटर्न बना है ना, इस पैटर्न को कम कर सकती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके लिए मैंने 49 फंदे डाले हैं। अब मैं इसको बुनना स्टार्ट करती हूँ। स्टार्टिंग के 3 फंदे मैं उल्टे बुनूंगी। ये 3 फंदे मैंने उल्टे बुन लिए और फिर मैं 5 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4 और ये 5, इस तरीके से। अब बाकी फंदे मैं इधर तक 8 फंदे इधर के छोड़ के ये सारे के जो सेंटर के फंदे हैं मैं उल्टे बुनती हूँ। ये मेरी राइट साइड है, मैं आपको यहाँ तक बुन के अभी दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ तक मैंने ये सारे उल्टे फंदे बुन लिए। अब यहाँ 5 फंदे मैं सीधे बुनती हूँ, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बुने थे। ये 5 फंदे मैंने सीधे बुन लिए हैं और ये जो 3 फंदे हैं इसको मैं उल्टे बुनती हूँ। ये देखिए, 1, 2 और ये 3, ये राइट साइड है। ये रो कंप्लीट हो गई है। ये देखिए, यहाँ 3 स्टार्टिंग के 3 उल्टे, 5 सीधे, बाकी उल्टे बुने हैं और ऐसे ही यहाँ 5 सीधे 3 उल्टे। ये रो, पहली रो कंप्लीट हो गई है। अब ये लेफ्ट साइड है, ये उल्टी रो है। उल्टी रो पूरी उल्टी बुनती हूँ मैं। ये रो पूरी उल्टी बुनी जाएगी। ये देखिए, रॉन्ग साइड की मैंने रो कंप्लीट कर ली है। अब राइट साइड पे, तो राइट साइड के जो पहले 3 फंदे हैं वो उल्टे ही बुने जाएंगे। ये पूरे पैटर्न में उल्टे ही बुने जाएंगे। अब जो हमने 5 फंदे जो सीधे बनाए थे इसमें पैटर्न बनेगा, तो हमने सबसे पहले 2 फंदों को इस तरीके, 2 फंदों को मैं ऐसे एक कर देती हूँ। 2 का एक किया ऐसे, ऊन को इस तरीके से आगे लपेटा और एक सीधा बुना, फिर उसके बाद फिर ऊन को ऐसे लपेटा और ये 2 जो फंदे हैं मैं पहले इस सिलाई पे लेती हूँ, फिर इनको इस तरीके से ऐसे और ये ऐसे लेके इनको भी 2 का एक कर देती हूँ। ये पैटर्न इधर का बन गया 5 फंदों में। अब हमें जो बीच के उल्टे फंदे हैं उल्टे ही बुनने हैं। यहाँ तक उल्टे बुनने हैं, मैं इधर आके बताती हूँ।
अभी साइड के पैटर्न पे आ गई हूँ मैं। जो सीधे फंदे हैं उनमें से पहले दो को इस तरीके से बनाते हैं। ये दो का एक बनाया, दो का एक बना दिया, फिर उनको ऐसे लपेटा, फिर बीच वाले फंदे को सीधा बुना, फिर उनको फिर इस तरीके से लपेटा और दो फंदे ये हैं पहले हम उस पर उतार लेते हैं, फिर इसी सिलाई पे ऐसे इस तरीके से ले लेते हैं और इन दो फंदों को बैक लूप से दो का एक बना देते हैं। ये पैटर्न भी हो गया कंप्लीट। अब ये तीन फंदे उल्टे हैं उन्हें उल्टा ही बुना जाएगा। ये राइट साइड की ये रो कंप्लीट हो गई। अब लेफ्ट साइड में इसको पूरा उल्टा ही बुनना है। इस तरीके से देखिए यहाँ तक मैं बुन के अभी आपको ये रो कंप्लीट करती हूँ। उल्टी पूरी बुनी जाएगी। अब ये रो कंप्लीट हो गई लेफ्ट साइड से। ये देखिए अब मैं फिर सीधी सिलाई पे आ गई हूँ। तो यहाँ हमारा ये देखिए ये मेरी सीधी साइड है। अब इस तरीके से बनेगा। पहले तीन फंदे उल्टे ही बुने ही जाएंगे, दो और ये तीन। अब पांच फंदे जो थे हम पूरे पांच सीधे बुने जाएंगे। एक बार पैटर्न डलता है, एक बार सीधे बुने, बिल्कुल सिंपल बुने जाते हैं। ये पांच फंदे मैंने सीधे बुन लिए और बाकी फंदे मैं उल्टे बुन लेती हूँ। अब ये देखिए यहाँ जो हमने पैटर्न डाला था पांच फंदों में, अब इन्हें सिंपल पांच फंदे बुन लेंगे और जो लास्ट के तीन फंदे हैं ये उल्टे बुन लिए जाएंगे। और रॉन्ग साइड पूरी उल्टी ही बुनी जाएगी। तो मैं ये कंप्लीट करके अभी दिखाती हूँ। अब ये देखिए मैं राइट साइड पे आ गई हूँ। अब इसमें वही पैटर्न रिपीट होगा। पहले तीन फंदे उल्टे, इसके बाद इन पांच फंदों में से पहले दो फंदे इस तरीके से, पहले दो फंदों का दो का एक बनाना है, फिर उनको इस तरीके से लपेटना है, बीच का फंदा सीधा बुनना है, फिर उनको ऐसे ही लपेटना है और इन दो फंदों को डायरेक्शन चेंज करते हुए बैक लूप से दो का एक बनाना है। इस तरीके से ये देखिए इस तरीके से ये पैटर्न रिपीट होता जाएगा। एक बार इन पांच फंदों में पैटर्न बनेगा, एक बार सिंपल बुने जाएंगे, बाकी फंदे उल्टे बुन लेती हूँ मैं। अब पांच फंदों में ये दूसरी साइड का है तो इधर मैं पैटर्न बना देती हूँ। पहले फर्स्ट दो जो फंदे हैं उनका दो का एक, उनको इस तरीके से आगे से लपेटा, फिर एक सीधा बुना, फिर उनको लपेटा और इन दो फंदों की डायरेक्शन चेंज करते हुए इस तरीके से ऐसे बैक लूप से दो का एक बनाना है। तो ये पैटर्न डल गया है, तीन फंदे उल्टे, रॉन्ग साइड बिल्कुल उल्टी बुनी जाएगी। तो इस तरीके से ये दोनों तरफ से पैटर्न बढ़ता जाएगा। ये देखिए इस तरीके से ये वाला यहाँ से यहाँ तक ये मैंने 29 रो बनाई है इसमें।
बहुत ही ईजी पैटर्न है ये, तो 29 रोज़ बना के मैं आपको फिर दिखा दूँगी। यहाँ मैंने ये 29 रोज़ बना लिए। अब इसके बाद मैं एक इधर से और एक इधर से डिक्रीज़ करना शुरू करते हैं इस तरह। एक दो का एक कर दिया, और ये जो पैटर्न है ये अब बंद हो जाएगा बनना। अब ये सब उल्टे फंदे बुने जाएंगे। यहाँ से यहाँ तक बना के मैं दिखाती हूँ। और इस दूसरी साइड से भी एक फंदा मैं घटा देती हूँ। ये रॉन्ग साइड पे पूरा पूरी जो रो है उल्टी बुनी जाएगी। जैसे मैं पहले बनाती आ रही हूँ उल्टी ही बनेगी। अब राइट साइड पे फिर आ गई मैं, तो राइट साइड पे फिर इसी तरीके से दोनों तरफ से एक एक फंदा घटेगा। इस दो का एक, यहाँ तक बना के दूसरी साइड से भी एक फंदा घट जाएगा। अब मुझे ये इतना बनाना है, घटाते घटाते यहाँ सेंटर में 15 फंदे रह जाने चाहिए। दोनों तरफ से मैं घटा दूँगी और इतने रखूँगी 15 फंदे, फिर मैं इसके बाद आपको बताती हूँ। ये देखिए मैंने दोनों तरफ से ये घटा दिए फंदे। ये फंदे यहाँ दोनों तरफ से इतने घटाए हैं कि यहाँ 15 फंदे रह जाए। अब ये 15 फंदे रह गए हैं। अब इसमें मैं ये वाला पैटर्न डालेगा, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 पैटर्न डालेंगे इसमें। देखिए इस तरीके से मैं अब 1 2 3 6 7 पैटर्न बनने मैं आपको दिखाती हूँ इस तरीके से। देखिए अब ये 15 फंदे में से हम 5 फंदे तो उल्टे बुन लेते हैं। और ये सेंटर के 5 फंदे हम सीधे बुन लेंगे। इसके बाद हम ये जो 5 फंदे रह गए इन्हें उल्टा बुन लेंगे। रॉन्ग साइड में सारे फंदे उल्टे बुने जाएंगे। राइट साइड पे ये देखिए पहले 5 फंदे तो हम उल्टे बुन लेंगे। जैसे हम बुनते हैं 1 2 3 4 5, और जो सेंटर के 5 फंदे हैं हमें यही वाला पैटर्न डलेगा जो हमने साइड में बनाया है। जो हमने साइड में ये बनाया है ये वाला पैटर्न बनेगा। जो इस तरीके से पहले 2 फंदों को हम ऐसे घटा देते हैं, 2 का एक बना देते हैं, फिर उसके बाद उनको ऐसे लपेटा, फिर बीच के फंदे को बुन लिया, फिर उनको ऐसे ही लपेटा, फिर इन दोनों फंदों को उतारते हैं, इनकी डायरेक्शन चेंज करते हुए बैक लूप से 2 का 1, और फिर 5 फंदों को हम उल्टा बुन लेते हैं। रॉन्ग साइड से सब फंदे उल्टे बुने जाएंगे।
देखिए अब राइट साइड से पहले पांच फंदे उल्टे बुन लेते हैं। फिर ये पांचों फंदे हम सीधे ही बुन लेंगे। एक बार पैटर्न डलता है इस पांच फंदों में और एक बार बिल्कुल सिंपल बुने जाते हैं। तो एक बार पैटर्न डल गया, अब इसको हम पांच फंदों को सिंपल सीधे बुन लेते हैं। पांच फंदे लास्ट को उल्टे बुन जाएंगे, रॉन्ग साइड उल्टी। एक बार पैटर्न मैंने बना लिया, उसके बाद फिर यही पैटर्न रिपीट होगा। एक बार पैटर्न रहेगा, एक बार सिंपल बीच के जो है पांच फंदे सीधे बुने जाएंगे। तो इस तरीके से हमें ये एक बार पैटर्न ने डाल लिया था, बता रही हूँ इसमें है 1 2 3 4 5 6 7, ये टोटल 7 पैटर्न बनेंगे इसमें। फिर मैं 7 पैटर्न बना के मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए मैंने इसका आगे का ये पोर्शन बना दिया है, 1 2 3 4 5 6। अब मैं इनको इन फंदों को बंद, दो सिलाइयाँ सिंपल बना लेती हूँ, उसको पैटर्न नहीं बनेगा, वैसे उल्टी बनेगी। ये देखिए दो रोज़ और मैं तीन रोज़ बना लिए हैं सिंपल। अब इन सारे फंदों को मैं बंद कर देती हूँ। इस तरीके से उल्टी तरफ से मैं इसे बंद कर देती हूँ। ये सारे फंदे मैंने बंद कर दिए हैं। थोड़ा धागा मैं इसको एक्स्ट्रा रखूँगी, सिलाई के लिए चाहिए, तो मैं इसको कट कर देती हूँ उसे और इसको ये ऐसे बंद कर देती हूँ। हो गया कंप्लीट। अब मैं इसकी सिलाई लगाती हूँ। तो मैं सुई लेके इसको इस तरीके से अब ये देखिए इसकी सिलाई सीधी तरह से होगी। सीधी तरफ का ये जो सीधे राइट साइड का हिस्सा है, इससे मैं इसकी इस तरीके से ये देखिए यहाँ से यहाँ तक, फिर इसके बाद यहाँ से इधर से इधर तक, ये इधर से ये जो हमारी रो जा रही है इस तरह से मिलाते हुए और ऐसे इसी तरफ का ऐसे मिलाते हुए इधर तक लाना है। तो मैं आपको बताती हूँ पहले इस हिस्से को मैं सिलती हूँ। इस तरीके से ये वाला हिस्सा ऐसे। अब मैं यहाँ से ये वाला हर रो का मैं ऐसे एक स्टिच उठा लूँगी।
इस तरीके से। ये देखिए मैं कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इस साइड का ये पोर्शन सिल गया है, अब मैं इसको नीचे निकाल देती हूँ धागे को। और इसको नीचे से कट कर देती हूँ वहाँ से। देखिए एक तरफ का पोर्शन मैंने सिल लिया है, अब मैं दूसरी तरफ की सिलाई करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने ये वाला आगे का पोर्शन सिल दिया है, अब मैं ये पीछे का सिल देती हूँ, फिर इसके बाद मैं ये जो क्रोशिया है चारों तरफ किया हुआ ये बताती हूँ आपको। तो मैं इसको इस तरीके से सिल देती हूँ, यहाँ से मैं सिलाई करती हूँ। तो मैं एक्स्ट्रा धागे को कट कर दूंगी बाद में। ये रॉन्ग साइड से मैं सिल रही हूँ अंदर की तरफ से, तो मैं आपको इधर से इधर तक सिलाई लगा के उसके बाद दिखाती हूँ। इतना सिलने के बाद अब हम इसको इस तरीके से बनाते हैं। इसकी जो एड़ी है वो मैं इस तरीके से बनाऊंगी। इस तरीके से चारों तरफ से मैंने इसको ऐसे, और इसको अब मैं कस लेती हूँ इस तरीके से। अब मैं आपको दिखाती हूँ, इसको टाइट कर लेती हूँ ताकि ये होल ना दिखाई दे, और इस तरीके से इसकी ये एड़ी आ जाएगी। इसको होल को मैं भी कवर कर देती हूँ, जैसे कि मैंने इसमें बनाई हुई है। देखिए इस तरीके से ये आ जाएगी। मैं आपको भी इसको टाइट करके इसे दिखाती हूँ, इसको कस के फिर मैं इसी को ऐसे कर देती हूँ। इस तरीके से इसकी होल कवर हो जाएगा, और फिर मैं एक बार और इसको धागे को मैं कट कर देती हूँ उसको उनको, और इसकी एड़ी भी कंप्लीट हो गई। इस तरीके से इसकी ये आ जाएगी एड़ी। अब मैं इसके चारों तरफ ये क्रोशिया करती हूँ, जो मैंने ये क्रोशिया का ये बनाया हुआ है, इसके एक बॉर्डर से बनाया हुआ है, अभी मैं आपको बताती हूँ।
देखिए इसके लिए मैंने 11 नंबर का हुक यूज़ कर रही हूँ। एक मैं इसमें नॉट बना लेती हूँ इसकी। अब मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ, यहाँ से बैक साइड से इसके, ये देखिए इस तरीके से इसमें। ये स्टार्ट कर दिया मैंने, देखिए। अब मुझे तीन चेन बनानी है, एक दो तीन, और इसी में से आगे देखिए एक दो चेन छोटे, तीसरी वाली चेन में फिर मुझे सिंगल क्रोशिया बनाना है, और एक दो तीन चेन बनानी है। उसके बाद इस क्रोशिया को इसी इन्हीं दोनों लूप में से निकालते हुए सिंगल क्रोशिया बना देना है। फिर उसके बाद एक दो तीसरी चेन में फिर मुझे सिंगल क्रोशिया बनाना है, ऐसे तीन चेन बनानी है, एक दो तीन, और फिर इसी लूप में से निकालते हुए सिंगल क्रोशिया बना देते हैं। उसके बाद फिर तीसरी चेन में एक दो तीसरे इसमें स्टिच में ऐसे बनाना है सिंगल क्रोशिया, और एक दो तीन, तीन चेन बना के इसी लूप में से निकालते हुए सिंगल क्रोशिया बना देना है, और फिर तीसरी चेन में ऐसे सिंगल क्रोशिया बना देना है। तो इस तरीके से ये कंगूरे टाइप बनते जाते हैं और बहुत ही सुंदर लगता है ये किनारी। एक बार फिर मैं बता देती हूँ, इसके चारों तरफ यही बनाना है, एक दो तीन, तीन चेन बनाने के बाद इस लूप में से, दोनों लूप में से हमें इसको स्टिच को निकालते हुए सिंगल क्रोशिया बना देना है, और फिर तीसरे स्टिच में हमें सिंगल क्रोशिया बना के फिर हमें तीन चेन बनानी है, और फिर इन दोनों में से निकालते हुए सिंगल क्रोशिया बनाना है। एक दो ये तीसरे स्टिच में हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है, एक दो तीन, ये तीन चेन बनाने के बाद इस लूप में से हमें निकालना है और सिंगल क्रोशिया बना देना है। फिर इसके बाद एक ही दो छेड़ छोड़ के चेन को तीसरे पोर्शन में, तीसरे जो स्टिच है दोनों का गैप है उसमें से हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है, एक दो तीन, दोनों तीन चेन बना के दोनों लूप में से निकालते हुए इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से चारों तरफ ये बन जाएगा। मैं अभी पूरा कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कंप्लीट हो गया, अभी मैंने इसका पेयर हो गया कंप्लीट, ये देखिए